उन्नाव हसनगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्राम रोजगार सेवक खंड विकास अधिकारी के अभद्र व्यवहार सहित जाति सूचक गाली का प्रयोग करने पर सभी कर्मचारी लामबंद होकर एसडीएम को डीएम व सीडीओ संबोधित ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। सभी कर्मचारियों ने बताया कि जब तक खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक सभी कार्य से विगत रहेंगे। हसनगंज ब्लॉक विकास खंड अधिकारी के एन पांडे के विरुद्ध ब्लॉक पर तैनात ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्राम रोजगार सेवकों ने वीडियो के अभद्र व्यवहार के चलते पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया है। सभी कर्मचारियों में धीरेंद्र रावत, एडीओ पंचायत लाल, एडीओ पंचायत लालधर यादव, एडीओ सी प्रमोद शर्मा, रमाकांत पांडे, लल्लू लाल, पूजा संजीव, हिमांशु यादव, आशीष यादव, अजय कुमार ने बताया कि खंड विकास अधिकारी के एन पांडे अभद्र भाषा व बगैर बताए ही ग्राम विकास अधिकारी सुशील का एक दिन का वेतन काट दिए हैं तथा सर्विस ब्रेक कर दी गई, जबकि सुशील 24 मार्च से लगातार कार्य कर रहे हैं, जिससे गुस्साए सभी कर्मचारियों ने एसडीएम प्रदीप वर्मा को डीएम सीडीओ को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों में चंद्रभान शुक्ला, अजीत द्विवेदी, सूर्यपाल सिंह, कासिम, कुलदीप आदि लोगों ने एसडीएम प्रदीप वर्मा को ज्ञापन देकर बताया कि हम लोग मनरेगा योजना के अंतर्गत संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हैं। रोजगार सेवक कुलदीप कुमार से वीडियो हसनगंज के एन पांडे ने अभद्र पूर्वक व्यवहार किया, जाति सूचक गालियां दी और सेवा समाप्ति की भी धमकी दी, जिसके चलते सभी रोजगार सेवकों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया और वीडियो का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर डीएम संबोधित ज्ञापन दिया है। एसडीएम प्रदीप वर्मा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी गण व ग्राम रोजगार सेवक सहित तकनीकी सहायक टीए ने खंड विकास अधिकारी के एन पांडे के खिलाफ डीएम व सीडीओ संबोधित ज्ञापन दिया है। कार्य कर रहे अधिकारियों से कार्य बहिष्कार न करने को कहा गया है। विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी और विकास अधिकारियों के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है पूरा इसमें क्या? आज अपराह्न 2 बजे विकास खंड हसनगंज के ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवकों द्वारा खंड विकास अधिकारी श्री के एन पांडे के द्वारा किए जा रहे कार्यों और किए जा रहे अभद्र व्यवहार के संबंध में एक ज्ञापन मुझे दिया गया है। इस संबंध में मैं विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से को पत्र भेज रहा हूँ ताकि इसमें उचित कार्रवाई की जा सके। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को सीडीओ और डीएम संबोधित एक ज्ञापन दिया गया, क्या पूरा मामला, इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? मामला हमारे साथी कुलदीप लालपुर, रोहित अस्थाना काम करने के बावजूद बीडीओ साहब अभद्रता की बात करते हैं, गाली देते हैं, काम भी करेंगे और गाली सुनेंगे, चाहते हैं बीडीओ साहब को ट्रांसफर हो, यहाँ से हटाए जाए। अगर नहीं हटाए जाते तब तक क्या धरना करेंगे, धरना देंगे। आज आप लोगों के द्वारा सामूहिक कार्य बहिष्कार किया गया और उप जिलाधिकारी को डीएम और सीडीओ संबंधित एक ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है पूरा, इसमें क्या कहेंगे? मामला इसमें यह है, हम लोग 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग निरंतर मेहनत करते हुए और रात दिन एक कर दिया, उसके बावजूद सारे कर्मचारी रात दिन एक करते हुए काम करते रहे ताकि सम्मान और सब व्यवस्था बनी रहे, अव्यवस्था ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा आए दिन किसी न किसी को टारगेट कर गाली गलौज और इस तरह की अभद्रता पूर्वक बातें करते रहे। कल तो हद हो गई, हम लोगों को 5 लोगों को सुबह बुलाया और काम की बात करते हुए यहाँ तक कि चोर तक कह दिया हम लोगों को, इसलिए उसके बाद शाम को सभी कर्मचारियों को भी बैठक में बुलाया, उनसे भी अभद्रता पूर्वक बात की और हम लोग इतना त्रस्त हो गए कि इतना मेहनत करते हुए रात में हम लोग घर जाते थे 11 बजे, सुबह आते थे 5 बजे, अपने बच्चों का जो है जगते हुए ना देख पाते थे ना सोते उठने के बाद देख पाते थे, उसके बावजूद हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया, चोर और बहुत बड़े चोर और गंदगी फैला रखी है इस तरह के शब्दों से, और क्या क्या कहा वो हम कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो है तो हम लोग आज के बाद जब तक ये रहेंगे हम लोग कार्य नहीं करेंगे। एसडीएम साहब को सीडीओ संबोधित एक ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है पूरा और इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? मामला जब से कोरोना की स्टार्ट हुई थी 24 तारीख से, तब से 2 महीना हो गया है, हम लोग बराबर काम भी कर रहे हैं और लगातार कोई छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं और रात में 12-12 बजे तक आते जा रहे सफर करते हैं गाड़ी से, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद भी रोड पे आ जाती है। और बीडीओ साहब का रवैया ये है कि कर्मचारियों को गाली गलौज कर देते हैं,
अब हम लोग काम भी करेंगे और गाली सुनेंगे, इतना तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारी नौकरी, अगर हमारा स्वाभिमान नहीं बचा हुआ है तो हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे अभी हमने SDM साहब को ज्ञापन दे दिया है और बाकी जिला अधिकारी हमारे हैं, उनके पास जाके भी अपनी समस्या का बताएंगे जाके हम वहाँ पे, और फिर देखते हैं क्या होता है। जब तक कार्य का आपका नहीं हो, समस्या हल नहीं हो जाता है, क्या कार्य के लिए अभिगत रहेंगे? कोरोना के संबंध में हम कार्य करते रहेंगे, बाकी कार्य हम नहीं करेंगे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।